बेसिकली हम चिकित्सा स्थान स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चिकित्सा स्थान का जो पहला चैप्टर है, मतलब तो चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय हैं, हाँ, तो उसका जो पहला चैप्टर है दैट इज रसायन अध्याय। तो रसायन अध्याय के चार पाद हैं, चार पाद मतलब सब चैप्टर्स। एक जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रसायन अध्याय, सेकंड चैप्टर का नाम वाजीकरण अध्याय है। रसायन में भी चार पाद हैं और वाजीकरण में भी चार पाद हैं, पाद मतलब सब चैप्टर्स। तो जो रसायन के चार पाद हैं उनके नाम याद करने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यही एग्जामिनर में चिकित्सा चरक हम क्यों पढ़ रहे हैं, अगर आपने चरक अच्छे से पढ़ी तो आप सेकेंड ईयर का रोग विज्ञान, थर्ड ईयर का काय चिकित्सा, वो सारा ब्रीफली ब्रीफली नहीं थॉरली आप चरक में पढ़ सकते हैं अगर आपने चरक अच्छे से पढ़ी तो। चरक की क्लास आई थिंक मिस नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज़ अ बेस, मतलब आयुर्वेदिक क्लासेस का बेस है। अगर आपका ये चरक क्लियर है इट मीन्स आपकी मेडिसिन क्लियर है, आपकी पैथोलॉजी क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट द चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रसायन अध्याय। कितने चैप्टर हैं चिकित्सा स्थान में? 30 चैप्टर हैं। पहला अध्याय जो है रसायन अध्याय, उसके चार पाद हैं, पाद मतलब सब चैप्टर्स। तो जो पहला पाद है दैट इज अभय आम्लकी, अभय आम्लकी, क्या नाम है? अभय आम्लकी। जो दूसरा चैप्टर है, पहला है अभय आम्लकी, दूसरा चैप्टर है उसका नाम है प्राण कामीय। तो पहला चैप्टर का नाम है अभय आम्लकी, दूसरे चैप्टर का नाम है प्राण कामीय, प्राण कामीय। तीसरा चैप्टर है उसका नाम है कर परिचितीय, कर परिचितीय। और जो चौथा सब चैप्टर है उसका नाम है आयुर्वेद समुत्थानी। तो जो रसायन अध्याय है, रसायन अध्याय चार सब चैप्टर से मिलके बना हुआ है। पहले चैप्टर का नाम अभय आम्लकी, दूसरे चैप्टर का नाम प्राण कामीय, तीसरे चैप्टर का नाम कर परिचितीय, कर परिचितीय, और चौथे चैप्टर का नाम है आयुर्वेद समुत्थानी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहानी लेके चलते हैं कि किसी ने आंवला तोड़ना था। तो आंवला कैसे तोड़ेगा? हाथों से। हाथों को हम क्या कहते हैं? कर। क्या कहते हैं? कर। सबसे पहले उसको आंवला तोड़ना था, आंवला उसने किससे तोड़ा? हाथों से। हाथों मतलब कर परिचितीय। तो पहला उसने क्यों तोड़ा हाथों से आंवला? क्योंकि उसे अपने प्राणों की रक्षा करनी थी। तो सेकंड चैप्टर प्राण कामी है। तो पहला चैप्टर सबसे पहले उसने क्या तोड़ना था? आंवला। तो दैट इज अभय आम्लकी। काय से तोड़ा? हाथों से। हाथ मतलब कर, तो दैट इज कर पिरचितीय, कर पिरचितीय। क्यों तोड़ा? क्योंकि उसे अपने प्राणों की रक्षा करनी थी, दैट इज प्राण कामी है। और ये सब कहाँ बताया गया है? आयुर्वेद में। तो चौथा चैप्टर आयुर्वेद समुत्थानी। ठीक है, तो मतलब सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए। तो किसी व्यक्ति को आंवला तोड़ना था, आंवला उसने तोड़ा, सबसे पहली चीज उसने आंवला तोड़ा। तीसरी चीज काय से तोड़ा? हाथों से। हाथ मतलब कर, हाथ मतलब कर, तो दैट इज कर परिचितीय। क्यों तोड़ा? क्योंकि उसको अपने प्राणों की रक्षा करनी थी, दैट इज प्राण कामीय, दैट इज प्राण कामीय। चौथा चैप्टर आयुर्वेद समुत्थानी है, ऐसा कहाँ बताया गया है? आयुर्वेद में बताया गया। ठीक है, तो रसायन अध्याय, रसायन अध्याय के चार चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है अभय आम्लकी, दूसरा चैप्टर है प्राण कामीय, तीसरा चैप्टर है कर परिचितीय, एंड चौथा चैप्टर है आयुर्वेद समुत्थानी। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो मतलब अगर आप पीजी की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें भी आ सकता है, सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स, और वाइवा में भी पूछ सकता है, और 2 मार्क्स में चरक में भी आ सकता है कि रसायन के कितने सब चैप्टर हैं, कितने पाद हैं? चार पाद हैं। पहला पाद अभय आम्लकी, दूसरा पाद प्राण कामीय, तीसरा पाद कर परिचितीय, कर परिचितीय, एंड चौथा पाद आयुर्वेद समुत्थानी। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग में चैप्टर में लिखा गया है कि हमने इससे पहले चिकित्सा पूर्वार्ध पर चरक पूर्वार्ध पढ़ चुके हैं, और चरक पूर्वार्ध का जो लास्ट स्थान था दैट वाज इंद्रिय स्थान, और उसके बाद पूर्वार्ध के बाद स्टार्ट हुई उत्तरार्ध, और उत्तरार्ध का जो पहला स्थान है दैट इज चिकित्सा स्थान। ठीक है, तो दिस इज स्टार्टिंग में दिया हुआ है उपक्रम में कि जिस प्रकार इंद्रिय स्थान में बताए अरिष्ट लक्षण, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भैसज के पर्याय। ये शायद आपको आते होंगे अगर आपने रसशास्त्र में अच्छे से पढ़ा हो, भैसज कल्पना अध्याय में वहाँ पे श्लोक याद करने के लिए बताया जाता है। तो श्लोक क्या कहता है? दिस इज इम्पोर्टेंट श्लोक। हाँ, चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रसमनम प्रकृति स्थापनम हितम। तो चिकित्सितम व्याधि हरम, दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ मेडिसिन, औषधि के पर्याय हैं। तो क्या पर्याय है? 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बायवा में भी एग्जामिनर पूछेगा कि औषधि के पर्याय बताओ, या पहला श्लोक कौन सा है चिकित्सा स्थान का। तो जो पहला श्लोक है दैट इज चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रसमनम
प्रकृति स्थापनम हितम, तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द भैषज और औषधि, दीज आर द चिकित्सितम। नंबर वन सिनोनिम इज द चिकित्सितम, द सेकंड सिनोनिम इज द व्याधिहरम। चिकित्सितम बिकॉज वो चिकित्सा में यूज होती है, व्याधिहरम क्योंकि उससे हम व्याधि को ठीक कर देते हैं, दैट इज व्याधिहरम। पथ्यम क्योंकि मेडिसिन जो है वो बॉडी के लिए यूजफुल होती है, बेनिफिशियल होती है, दैट इज पथ्यम। तो चिकित्सितम दैट इज यूज इन द मेडिसिन, दैट इज नोन एज चिकित्सितम। व्याधिहरम किस लिए यूज करते हैं, व्याधि को ठीक करने के लिए, दैट इज व्याधिहरम। पथ्यम जो मेडिसिन होती है वो हमेशा उस व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल होती है, उस व्यक्ति की हेल्थ के लिए गुड होती है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज पथ्यम। साधनम तो ये बीमारी को ठीक करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज साधनम। तो चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, तो उसी को हम क्या कहते हैं, औषधम। तो क्योंकि ये चिकित्सा में यूज होती है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज चिकित्सितम। इससे बीमारी ठीक होती है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज व्याधिहरम। ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ पथ्यम। और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज साधनम। और औषधम तो सबको पता ही है। देन प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम और हितम। तो प्रायश्चितम प्रकृति स्थापनम, प्रायश्चितम मतलब आपसे कोई अपराध हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं ना, तो प्रायश्चितम आपकी बॉडी की जो इम्बेलेंस हो गई थी, दोषों की असाम्य अवस्था हो गई थी, मतलब अपराध हो गया था, उस अपराध को ठीक करना, दैट इज प्रायश्चितम। प्रकृति स्थापनम आपकी बॉडी में विकृति उत्पन्न हो गई थी, उस विकृति को आप दूर कर रहे हैं, दैट इज प्रकृति स्थापना। एंड लास्ट हितम, दिस इज हित, बॉडी के लिए वो हितकारी है। तो ये कितने पर्याय टोटल, 9। दिस इज द आल्सो क्वेश्चन दैट कम्स इन द फिजिकल प्रिपरेशंस, कि जो चरक चिकित्सा स्थान का फर्स्ट चैप्टर है उसमें औषधि के कितने पर्याय बताए गए हैं, उसमें औषधि के 9 पर्याय बताए गए हैं। कौन कौन से, चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रकृति स्थापनम, प्रशमनम और लास्ट हितम। तो कितने पर्याय हैं, 9। तो हमेशा याद रखना है कि आचार्य चरक का जो रसायन चिकित्सा अध्याय है उसका जो पहला पाद है अव्यामलकी अध्याय, उसका जो फर्स्ट श्लोक है उसमें औषधि के 9 पर्याय बताए गए हैं। एंड दीज आर एज चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम, हितम। ठीक है, अब ईच वर्ड का मीनिंग बताया है ब्रीफ में, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसको हम एक बार पढ़ते हैं। चिकित्सा का अर्थ है रोग का प्रतिकार, मतलब बीमारी को ठीक करना, मतलब जो जिस तरह से आपको डिसीज हुई है उस डिसीज को ठीक करना। तो क्योंकि हम इसमें रोग का प्रतिकार कर रहे हैं इसलिए उसको चिकित्सितम कहा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में शेयर करता हूँ, एक मिनट। इसमें अलग अलग जो मैंने 9 पर्याय बताए हैं उन सारे 9 पर्यायों का मीनिंग बताया है। चिकित्सितम क्यों कहते हैं, क्योंकि चिकित्सितम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चिकित्सा के लिए यूज किया जाता है। फिर हमने सेकंड पर्याय पढ़ा व्याधिहरम, तो व्याधिहरम किस लिए कहते हैं, क्योंकि उसका काम है रोग को हरना, रोग को दूर करना। पथ्यम क्यों कहते हैं, क्योंकि पंथा शब्द का मतलब है बॉडी के लिए हितकारी, तो पंथा का अर्थ है व्याधि निशारक मार्ग, और उसके लिए जो हितकारी होता है ये आपने पढ़ा होगा द्रवगुण में। द्रवगुण में जो सेकंड चैप्टर सेकंड पेपर है उसमें एक पर्याय, उसमें एक शॉर्ट नोट्स एग्जाम में आता है, व्हाट इज पथ्यम, पथमितम पथ्यम, यही तो है उसका वो स्लोगन। तो पथमितम पथ्यम, पथम का मतलब क्या है, रास्ते, पथ मतलब रास्ता, तो आपकी बॉडी में कौन से रास्ते दिखते हैं, स्रोतस। तो पथम हितम पथ्यम, तो जो पथ के लिए हितकारी है, जो स्रोतस के लिए हितकारी है, दैट इज नोन एज पथ्यम। तो पथम हितम पथ्यम, जो आपकी बॉडी में स्रोतस के लिए हितकारी है उसको आप पथ्यम कहते हैं। ठीक है, पथम हितम पथ्यम। नेक्स्ट वी विल सी कि साधन, साधन का मतलब क्या है, जिस क्रिया या द्रव्य से, जिस क्रिया या द्रव्य से रोग को दूर कर रोगी को स्वस्थ बनाया जाता है। तो मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से आप बीमारी को ठीक करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को आप क्या कहते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज साधन, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज साधन, एंड दैट इज द पर्याय फॉर मेडिसिन। नेक्स्ट वी विल सी द औसत, औसत शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि हम औसत के प्रयोग से ही चिकित्सा करते हैं तो इसलिए इसको औषधि भी कहा गया है, औषधि या औसत कहा गया है, क्योंकि औसत, औसत मतलब कि जो औसत जो रोग को दूर करने में समर्थ हो, विच इज कैपेबल फॉर ट्रीटिंग द डिसीज इज नोन एज औसत।
नेक्स्ट वी विल सी द प्रायश्चितम। तो जैसा मैंने पहले बताया था, जब आप कोई अपराध करते हो तो अपराध को दूर करने के लिए आप प्रायश्चित करते हैं। इसी प्रकार आपकी बॉडी में जब दोष वैषम्य अवस्था में पहुंच चुके होते हैं, उन वैषम्य अवस्था दोष को पुनः साम्य अवस्था में लाने का जो तरीका है, दैट इज प्रायश्चितम, है ना। कैसे? जैसे सपोज आई विल गिव द एग्जाम्पल कि आप ठंडी में घूम रहे थे, आप आइसक्रीम खा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, बिना स्वेटर के घूम रहे थे, ये सब आपने क्या किए? अपराध। और उस अपराध को कैसे दूर करेंगे? गर्म पानी पियेंगे, स्वेटर पहन के घूमेंगे, तेल की मालिश करेंगे, तो ये सब क्या है? उसके प्रायश्चित। तो दैट्स व्हाई द प्रायस इज द सिनोनिम ऑफ औसत। नेक्स्ट वी विल सी द प्रिशमनम। प्रिशमनम का मतलब जो चीज बढ़ गई है उस बढ़ी हुई चीज को शांत करना, दैट इज प्रिशमनम। तो बढ़ी हुई चीज को शांत करना, दैट इज प्रिशमनम। प्रकृति स्थापन, दैट इज वेरी सिंपल। आपकी बॉडी में विकृति हो चुकी थी, उस विकृति को ठीक करने के लिए, आपकी बॉडी में विकृति हो चुकी थी, उस विकृति को ठीक करने के लिए जो आप तरीका अपना रहे हो, दैट इज प्रकृति स्थापन, दैट इज प्रकृति स्थापन। नेक्स्ट आया हितम। तो हितम मतलब जो विधान शरीर की पीड़ा को और रोग को दूर करे, शरीर को पोषण करे, जो आपकी बॉडी के लिए हितकारी है, दैट इज अ बेनिफिशियल फॉर यू, दैट इज हितम। तो दीज आर द 9 सिनोनिम्स। ये 9 सिनोनिम्स किस में दिए हैं? ये 9 सिनोनिम्स चिकित्सा स्थान के प्रथम चैप्टर रसायन अध्याय के अव्यय आम्ल की अध्याय में दिए हुए हैं। तो ये क्या कहते हैं? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चिकित्सितम व्याधिहरम, पथ्यम साधनम औषधम, प्रायश्चितम प्रसमनम, प्रकृति स्थापनम हितम। दीज आर टोटल 9 सिनोनिम्स। ईच सिनोनिम्स का जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी भेषज के टाइप। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। भेषज दो तरीके की होती है, आप लोगों ने ये पहले पढ़ रखा होगा, भेषज कल्पना अध्याय, भेषज कल्पना में जो सेकंड ईयर में है। तो भेषज दो तरीके की होती है, विच वन? इस श्लोका से, श्लोका क्या कहता है? भेषजम द्विविधम। भेषजम मतलब मेडिसिन, द्विविधम मतलब दो प्रकार की, चा मतलब और। तो और मेडिसिन दो प्रकार की होती है। पहले हम बता चुके मेडिसिन के 9 टाइप्स, है ना। उसके बाद हम बता रहे हैं भेषजम द्विविधम च, और मेडिसिन दो प्रकार की होती है। कौन प्रकार की? कौन कौन से दो प्रकार है? स्वस्थस ऊर्जस्करम किंचित। स्वस्थस, श्लोक ध्यान से सुनिए मैं क्या प्रोनाउंस कर रहा हूँ, स्वस्थस ऊर्जस्करम किंचित, किंचित आर्तस रोगनुत। व्हाट आई एम सेइंग? स्वस्थस ऊर्जस्करम किंचित, किंचित आर्तस रोगनुत। तो किंचित शब्द का मतलब है थोड़ी सी। किंचित शब्द का मतलब क्या है? थोड़ी सी। तो मेडिसिन दो प्रकार की थी, तो भैसजम द्विविधम, दो प्रकार मतलब द्विविधम, तो भैसजम द्विविधम च, भैसजम द्विविधम च। तो दो प्रकार की थी, एक वो थी जो स्वस्थ व्यक्तियों में जिसका हम यूज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, इसका मतलब उसके दोष जो है वो साम्य अवस्था में, तो स्वस्थ व्यक्ति में तो हम वैषम्य अवस्था में तो है ही नहीं, तो उसमें हम क्या करेंगे? उस व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ाएंगे। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है, अगर कोई अनहेल्दी होता, कोई रोगी होता, तभी तो हम वैषम्य अवस्था से साम्य अवस्था में लाते, रोग को ठीक करते। तो ये जो पहला वाला टाइप है वो किस में यूज कर रहे हैं? स्वस्थस मतलब स्वस्थ व्यक्तियों में यूज कर रहे हैं। तो स्वस्थ व्यक्तियों में क्या काम करने के लिए यूज होगा? उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, दैट इज ऊर्जस्करम, दैट इज ऊर्जस्करम, दैट इज ऊर्जस्करम। तो स्वस्थस ऊर्जस्करम किंचित। तो पहले हम बोल चुके भैसजम द्विविधम चायत, भैसजम दो प्रकार की होती है, स्वस्थस ऊर्जस्करम किंचित, जो थोड़ी सी है वो, मतलब थोड़ी सी मतलब कुछ औषधियां हैं वो स्वस्थ व्यक्तियों में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए होती हैं, किंचित आर्तस रोगनुत, और थोड़ी सी मेडिसिन जो है आर्तस, आर्तस मतलब रोगी, आर्तस मतलब रोगी, रोगनुत, और रोगियों में रोग को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो भैसजम, भैसजम मतलब मेडिसिन, द्विविधम च, तो मेडिसिन दो प्रकार की होती है, एक स्वस्थ व्यक्तियों में यूज होती है और एक आर्थस, आर्थस मतलब बीमार व्यक्तियों में। तो जो स्वस्थ व्यक्तियों में यूज होती है वो क्या करेगी? ऊर्जा को बढ़ाएगी। तो ऊर्जा को बढ़ाना मतलब ऊर्जस्करम, तो स्वस्थस ऊर्जस्करम किंचित, स्वस्थस ऊर्जस्करम किंचित, तो जो थोड़ी सी है वो स्वस्थ व्यक्तियों में ऊर्जा को बढ़ाती है। फिर से किंचित लिखेंगे, किंचित आर्थस, आर्थस मतलब बीमार, रोगी, रोगनुत, तो बीमारी व्यक्तियों में रोगनुत, रोग को दूर करती है। तो श्लोक, व्हाट द श्लोक सेज? श्लोक सेज भैसजम द्विविधम। श्लोक याद करने की जरूरत नहीं, आप ध्यान से सुनिए, श्लोक अपने आप याद हो जाएगा। भैसज दो प्रकार की होती है, भैसजम द्विविधम चा,
स्वस्थ व्यक्तियों में ऊर्जा को बढ़ाने वाली थोड़ी सी, तो स्वस्थस ऊर्जस्करम किंचित, फिर थोड़ी सी किसमें, बीमार व्यक्ति, बीमार मतलब आर्तस, तो किंचित आर्तस रोगनुत, और बीमार व्यक्तियों में रोग को ठीक करने वाली। तो दिस इज इंपोर्टेंट, ये श्लोक याद करना है। तो पहला वाला श्लोक था वो भी 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, और ये दूसरा श्लोक है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आएगा भैसज के टाइप। नेक्स्ट वी विल सी द अभैसज के टाइप। एक तो हमने भैसज पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया अभैसज। तो जो अभैसज है वो भी 2 प्रकार की होती है, एक बाधन और एक अनुबाधन, एक बाधन और एक अनुबाधन। तो बाधन का मतलब क्या है, अनुबाधन का मतलब क्या है? तो बाधन का मतलब दैट इज पेनफुल फॉर योर बॉडी, जो आपकी बॉडी को डिस्कम्फर्ट दे। तो बाधन का अर्थ है सामान्य पीड़ाजनक, जो आपकी बॉडी को डिस्कम्फर्ट दे। तो बाधन शब्द का मतलब क्या है, जो आपकी बॉडी को डिस्कम्फर्ट दे। तो मतलब जो अपथ्या होते हैं, जो पथ्या होते हैं वो तो मेडिसिन होती है, जो अपथ्य है दैट इज नॉट गुड फॉर योर श्रोतस, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। तो जो आपकी बॉडी को पीड़ा दे, जो आपकी बॉडी को डिस्कम्फर्ट दे, जो आपकी बॉडी को नुकसान दे, दैट इज बाधन। और अनुबाधन का मतलब क्या है कि सपोज आप, आई विल गिव द एग्जाम्पल, आबाधन का मतलब हाँ, आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हो, ठीक है, एक दिन में प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से या प्लास्टिक के कप में पानी पीने से कैंसर नहीं होता है। आपने आज चाय पी ली, 6 महीने में 7 महीने में तो कैंसर नहीं होगा, लेकिन आप रोज प्लास्टिक के कप में पानी पी रहे हो, रोज आप प्लास्टिक की बोतलों में पानी पी रहे हो कंटिन्यूअस बहुत सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से, तो क्या होगा, जो प्लास्टिक के जो माइक्रो नैनो पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाएंगे, और दैट विल एक्ट एज अ कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, और वो आपकी बॉडी में कैंसर को उत्पन्न करेंगे। तो जो अभैसज थी, तो अभैसज 2 प्रकार की थी, एक तो ऐसी ठंडी का, अभी जो सपोज आई विल गिव द एग्जांपल, ठंडी का टाइम चल रहा है, आप चले गए बाइक पे बिना ठंड टाइम चल रहा है, आप चले गए बाइक पे बिना मास्क लगाए, और मतलब बिना कानों में मफलर बांधे, तो क्या होगा, सीधे ही आपका गला पकड़ लिया जाएगा ऑन द स्पॉट, आप शाम को घर आएंगे आपका गला खराब मिलेगा। तो दैट इज बाधन, मतलब जो आपकी बॉडी के लिए तुरंत पीड़ादायक है, जो आपकी बॉडी के लिए कष्टकारी है। सेकेंड इज द अनुबाधन। अनुबाधन शब्द का मतलब क्या है, जो कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम से यूज करने के बाद आपकी बॉडी में बीमारी उत्पन्न करती है। कैसे समझेंगे, जैसे प्लास्टिक के कप में आप चाय पी रहे थे, तो आपको 15 सालों में, 10 सालों में लगातार एक्सपोजर होने की वजह से कैंसर हो गया, तो दैट इज अनुबाधन। तो अभैसज भी 2 प्रकार की होती है, एक बाधन और एक अनुबाधन। बाधन मीन्स जो पेनफुल होती है, जो आपकी बॉडी को डिस्कम्फर्ट करेगी। अनुबाधन का मतलब क्या है, जिसका रिपीटेड यूज से, जिसके लॉन्ग यूज के पश्चात आपकी बॉडी में डिसीज देखने को मिलती है, दैट इज अनुबाधन। ठीक है, तो दिस हमने आज क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा भैसज के पर्याय। तो भैसज 2 प्रकार, भैसज के 9 पर्याय थे, कौन कौन से, चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रसमनम, प्रकृति स्थापनम, हितम। फिर हमने पढ़ा भैसज के 2 टाइप्स थे, तो हमने पढ़ा भैसज के 2 टाइप्स मतलब द्विविधम, भैसजम द्विविधम चा, भैसजम द्विविधम चा, स्वस्थस ऊर्जस्करम किंचित, मतलब एक वो जो स्वस्थ व्यक्तियों में, एक वो जो स्वस्थ व्यक्तियों में ऊर्जा को बढ़ाने वाली होती है। तो स्वस्थस, स्वस्थस मतलब स्वस्थ व्यक्तियों में ऊर्जा को बढ़ाने वाली, ऊर्जस्करम, तो स्वस्थस ऊर्जस्करम, किंचित मतलब थोड़ी सी, तो स्वस्थ व्यक्तियों में ऊर्जा को बढ़ाने वाली। और थोड़ी सी क्या होती है, आर्तस्य, आर्तस्य मतलब बीमार व्यक्ति, तो आर्तस में क्या होगा, रोगनुत, रोगनुत मतलब रोग को ठीक करने वाली। तो औषधि 2 प्रकार की होती है, एक जो स्वस्थ व्यक्तियों में ऊर्जा को बढ़ाए, बीच में ऐड कर देना है किंचित, किंचित मतलब थोड़ी सी, और फिर से किंचित ऐड करके रोगियों में रोग को ठीक करे, तो रोगियों मतलब आर्तस रोगनु। फिर हमने पढ़ा आभैसज 2 प्रकार की होती है, एक बाधन और एक अनुबाधन। बाधन का मतलब क्या है, बाधन का एग्जैक्ट मीनिंग है विच कॉज